नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN24। मैं हूँ आपके साथ शगुन पांडे। आई नजर डालते हैं बिहार की कुछ अहम खबरों पर। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो अपराधियों का होगा एनकाउंटर, उन्हें घर से निकलने नहीं देंगे। बिहार में कोई भी अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। उक्त बातें बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक कार्यक्रम में कही। वहीं दूसरी ओर नेता विपक्ष विजय कुमार सिंह ने भी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के दमन के लिए बिहार में भी बुलडोजर वाले शासन की जरूरत है। बिहार में गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में लोगों को लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। पछुआ हवा के कारण लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। पटना मौसम विभाग के अनुसार व्यक्त किया गया है कि इस महीने में तपती गर्मी का असर मध्य और दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक होगी। वहीं IMD के अनुसार बिहार में शनिवार से सोमवार यानी 15 से 17 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। बिहार में इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर JDU और राजद गांव-गांव तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार संविधान के ढांचे पर प्रहार कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बताया जाएगा कि उनका संविधान अधिकार खतरे में है, सतर्क रहें, एकजुट से अपनी ताकत दिखाएं। JDU पहली बार इतने बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती का आयोजन कर रहे हैं। यह पंचायत स्तर पर उत्सव के रूप में होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं के साथ हो रही मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में 2024 के लिए प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। पटना के महेंद्र घाट स्थित रेलवे परिसर में आयोजित एक रोजगार मेले के अवसर पर गिरिराज ने कहा, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में देश के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको बता दें, रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री रोजगार पैदा करने और देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुलिस के लिए सिरदर्द बनकर घूम रहे कुख्यात अपराधी सुनील कुमार सिंह को गोपालगंज पुलिस की स्पेशल टीम ने उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी किए गए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, 3 मोबाइल, चोरी की मोटरसाइकिल और शराब भी बरामद किया गया है। गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात ने इनकी जानकारी देते हुए बताया कि बीते 7 अप्रैल को नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास सिवान के रहने वाले फाइनेंस कंपनी के कर्मी करण कुमार को अपराधियों ने गोली मार कर लूटपाट किया था। गोलीकांड की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सदर SDPO संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। वहीं 3 अपराधियों को नगर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों को थावे थाना क्षेत्र के विशंबरपुर निवासी कुख्यात सुनील कुमार सिंह के पास से हथियार बरामद किया गया है, जबकि मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के रहने वाले रोहन कुमार और नगर थाना क्षेत्र के छपिया गांव के रहने वाले अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश विदेश की तमाम